बिल्कुल अलग ब्लॉग आता है। चुप गाइस, इन लोगों को बोला गया है कि स्क्रैच ना लग जाए वरना 500 रुपए का चालान लगेगा। व्लॉग मैं स्टार्ट करूं क्योंकि मैं उसकी मालिकाना हक मैं रखती हूँ उसके चैनल का, ठीक है। वो एक सिर्फ और सिर्फ मेरी बंधुआ मजदूर औरत, उसको मैंने अभी बांध रखा इसलिए कुछ बोल नहीं सकती। चल थोड़ा सा बोल ले, इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी। तो देखो मिम्सी भी उड़ गई, उसकी सड़ी आवाज, चुड़ैले वाली आवाज से। ये देखो जा रही के साथ, क्या ये क्या लुक है मेरा, ये दिखा दो गाइस। गाइस ये क्या पहन के जा रही, मेरी बेइज्जती मत करा। अबे वो पहन के नहीं जा रही हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ कैसे लग। तो गाइस आज हम लोगों ने सोचा है बाहर निकलते हैं और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। गाइस मैंने पहना है ये कलर, ग्रे कलर का सा, ग्रे कलर ही होगा। और ये सब मेरा आज ही आया, ये चप्पल वप्पल सब। गाइस मैं यहाँ पर सोचू कि मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे ये पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑरेंज। काशिफ ने बोला है कि घर आने से पहले तैयार रहे और ये अभी तक कपड़े डिसाइड कर रही है। भाई क्या चल रहा है यार, कपड़े नहीं समझ में आ रहे यार, मैं क्या करूँ यार। करना तो पड़ेगा, नहीं तो तुझे यहीं पे छोड़ कर जाएंगे हम लोग। और ये सब कल मैंने साफ किया था इस मोटी भैंस ने, सारा मैंने अभी सही करके। कितना झूठ बोलती हो यार, बहुत झूठी, बहुत बहुत तेज है लड़की, बहुत ज्यादा। अभी ब्राउन हमने क्या बड़ी पोटली में, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या होगा। चलो मैं अभी हमारा निकलेगा बहुत प्यारा सा गोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला काम। ये सिर्फ ब्लेंडर दिया बॉबी ब्राउन ने। ओ माय गॉड, ब्लेंडर भी कितना छोटा है यार, तेरे लिए मिनी ब्लेंडर है जो कि मुझे दिया था उन लोगों ने गिफ्ट, क्योंकि मैं वहां गई थी तो उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड आप, मैंने कहा हां मैं, उन्होंने कहा कि चलो आपके लिए दे देते हैं। चलो गाइस मैं चलती हूं, यहां पर ट्रांजिशन करते हैं और चेंज करके आते हैं। गाइज हमारे साथ आ गए हैं ये कुछ लोग और अब हम लोग खा रहे हैं कुछ, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा जब भी लगी है तो हम लोग ये खा रहे हैं। कल हम लोग लेकर आए थे ये सब कुछ खाने। और गाइज किसको ये वाली चॉकलेट पसंद है मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और ये किसको पसंद है मुझे जरूर बताना। देखो क्या कर रही है केक के साथ, वेरी डर्टी कॉम्बिनेशन। कुछ भी यार, कुछ भी, मैंने अपनी पसंद से लिया और खा सब रहे, लेकिन फिर भी मैं इतनी अच्छी ना कि मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। मैं खा कैमरा बंद करके, कैमरा बंद करके सब बोलती है गाइस। ये बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, बोलती हूँ कि खाओ। ओह कल दोनों बहनों में युद्ध हुआ है गाइस, सुबह का हुआ नहीं था कल सोने के लिए जगह के लिए, कल नहीं हुआ था। आई हैव क्लिप आल्सो, कट कर देना प्लीज। गाइस हम लोग अभी निकलने वाले हैं कहीं बाहर, देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं अभी चल के। मैं आपको बता दूं कि आज सैटरडे है और आज सबकी छुट्टी होती है तो हमारी भी छुट्टी है। और आज ही आई मेरी नई वीडियो, अगर आप लोगों ने मेरी नई वीडियो नहीं देखी है मेरे चैनल समीर नी पे तो जाकर जरूर देख लेना। इसके बाद अली फैमिली ब्लॉग्स का भी ब्लॉग आप लोग जाकर देख सकते हो, जरूर देखना। अली फैमिली ब्लॉग्स देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर अलग और बिल्कुल अलग ब्लॉग आता है। चुप, मैं तो डर गई। तो गाइस हम लोग आ चुके अपनी कार में और हम लोग बैठ गए ऐसे अपनी अपनी सीट्स पर सब लोग, और अब हम लोग जा रहे हैं कौन सी जगह, प्लैनेटेरियम नेहरू प्लैनेटेरियम जा रहे हैं हम, जहाँ मैं बचपन में बहुत आया। प्लैनेटेरियम नहीं है, अब बोल रही है वही सही तो बोला, अभी सही बोली कुछ भी। अब ये लोगों को मेरा मजाक उड़ाना है तो बिल्कुल पॉइंट निकाल रहे हैं बीच से, नहीं उड़ा पाओगे। बाल वाइट हो गए हैं, बुट्टी हो गई है, और ऐसे मैं इसलिए बैठी हूँ कि थोड़ा सा टेक लगाकर बैठ सकूँ आराम से। अब हम लोग आपको उस जगह पर जाकर मिलते हैं, बहुत मजा आने वाला है उस जगह पर हमें जाकर, क्योंकि वहाँ पर हमें पहले तो ये देखना कि टिकट मिलती है नहीं। वो वहाँ पर क्या है, मेरे को तुम गए हो ना पहले, बहुत बार बचपन में गई हूँ। मेरा नाम ले लेना सब मिल जाएगा, मेरा नाम ले लेना सबकी टिकट मिल जाएगी। हाँ वो सोचता है यार जाने से दया कर दो, दे दो ऐसे गरीब से दया कर दो, फिर मेरा नाम लेंगे तो फिर वीआईपी टिकट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगा तो मेरा नाम तो एकदम बताती हूँ, नहीं बिल्कुल नोएडा जाएंगे। मैं बताती हूँ अगर टिकट नहीं मिली ना तो फिर नोएडा ही चले जाना, मेरा मेकअप गाइस मेरे को घर ही नहीं जाना है, एकदम निकाल घर से निकल गए हम लोग आज। गाइस मैं दोबारा 5 बजे सुबह जाऊंगी घर लुलू चला के। गाइस हम लोग अपनी गाड़ी से उतर कर अब आ चुके हैं नेहरू प्लैनेटेरियम, जहाँ पर हम देखने वाले हैं नेहरू तारा मंडल कहेंगे इसको, और यहाँ पर शो होता है जो कि देखने को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। चलो पहले चलते हैं टिकट लेने के लिए, और यहाँ आप भी आ सकते हो, मैं आपको लोकेशन बता दूंगी, यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कहाँ पर है ये जगह। बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं, सही लोकेशन बताऊंगी, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी जगह अच्छी जगह है। मुझे तो अच्छी लगती है। अब खैर मुझे नहीं पता, काफी टाइम बाद आई हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस होता है आज का, काफी बड़ा तो है क्योंकि मैंने बनवाया था ना। तो चलो अभी हम टिकट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये लोग ले रहे हैं टिकट, तो गाइस हमें टिकट्स मिल गई हैं और हम सब जा रहे हैं अंदर। वो यार मुझे साइंस म्यूजियम जैसा लगता है, मैं यहाँ पे बचपन में इतना आई हूँ ना कि मतलब मेरी यादें जुड़ी हैं। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी जगह, ये देखो गाइस यहाँ पे प्राचीन खगोल विज्ञान की कला कृति, वैकल्पिक
ये ऐसा क्यों बना हुआ यार, मुंह क्यों बना हुआ इसके अंदर? ये तो तुम लग रही हो। ये हमें मिली है प्राचीन बुक, प्राचीन बुक्स भी रखी हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल रियल सूट है शायद, आर मल्होत्रा का, साइंटिस्ट है कोई उनका। ये है इंडियन ट्रेडिशन जो उसको दिखाया जा रहा है और पूरा यहाँ पर बना दिया बिल्कुल। ये देखो, ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह ये? जंतर मंतर, ये जंतर मंतर है। और मैं आपको दिखा के चलती हूँ कहाँ पे क्या क्या है यार। ये देखो, ये जो अंकल दिख रहे हैं, ये कौन है, कौन है ये भाई? डरावने है यार बहुत ज़्यादा, इनकी आँखों में देखो कुछ दिख रहा है। यहाँ पर अपना वेट भी चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग प्लानिटरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते हम अपना वेट भी यहाँ पर चेक करते हैं। उसको नहीं, जो घर पे नहीं चेक कर पाता वो यहाँ पर चेक करो। ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है, इसमें जो भी कुछ लिखा है वो सारा उसके बारे में बताया जा रहा है। मुझे इतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगी तभी समझ आएगा कि क्या क्या बातें हैं इसमें। गाइस मुझे तो लगा था कि यहाँ पे भीड़ होगी नहीं, और इतनी भीड़ है देखना जरा, इतने सारे लोग हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग ही जाने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े बड़े सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपके? यहाँ पे कोई लाइन नहीं थी और हम लोग खड़े थे बस रैंडमली, और ये स्टार्ट हम बस ऐसे ही खड़े थे और पीछे लाइन लग गई। वाह भाई वाह, अलग ही देख लो लाइन कितनी लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप लोग भी आ सकते हो इस जगह पर, क्योंकि देखने को समझने को बहुत कुछ मिलेगा। गाइस यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है। चलो 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 चलो, ओ माय गॉड गाइस, अलग दुनिया में आ गए हम, ऐसा लग रहा है। कौन सी जगह आए हैं हम लोग? गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये चश्मा मिला है, ये देखो, देख सकते हो आप बड़ा है यार। इसको मैं अपने सर पे लगा लेती हूँ, और ये मेरे साथ के लोग देख सकते हो, अगर स्क्रैच लगे तो 500 रुपए का चार्ज देगा। एक गाइज इन लोगों को बोला गया है कि स्क्रैच ना लग जाए वरना 500 रुपए का चलान लगेगा। और ये देखो बह रहा है मेरे में। हम लोगों से बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, तो मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे कहा गया कि कुछ ना हो वरना फाइन लगेगा। और मैं आपको ये आसमान दिखा देती हूँ जो कि ये है तारा मंडल हमारा, ये देखो, और ये सारी सीट्स। हाँ तो लग रहा है कि मैंने बहुत स्टाइल वाला ड्रेस पहन लिया, मैंने H&M से लिया हुआ, ऐसा लग रहा है इसका स्टाइल ये लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैंने कहीं अच्छे अच्छी जगह से लिया है ना ये चश्मा। मतलब ब्रांडेड और कुछ अच्छा लगा कि है नहीं है, हर चीज़ ब्रांडेड होनी ज़रूरी नहीं है। सुनो सुनो सब सुनो, इधर इधर आओ थोड़ा। ये क्या है? जब हम लोग की एंट्री हुई थी तब तो कोई एक बंदा नहीं था, मेरा मुंह मल पर और मेरे आते ही देख लो भीड़ लगी है बाहर। ये भी मेरा देख कर आई है। अब मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ, अब जल्दी से जब ये शो स्टार्ट होगा तब बोलूंगी, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि बिना फालतू में बहुत बकवास कर रही है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से शो देखने के बाद, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और बैठकर हम लोग जाने वाले दूसरी जगह, पता नहीं कहाँ पर जाने वाले हैं। और शो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि बहुत अच्छा देखने को लग रहा था, और जो कि आप लोगों ने क्लिप्स भी देखी होगी तो वो बिल्कुल रियल में लग रहा था। हम लोगों ने जो ग्लासेस लगा रखे थे ना उसकी वजह से। चलो अभी गाड़ी में चलते हैं, बैठते हैं अंदर। चलो गाइस अब अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, लड़ लड़ के थक गए गाइस। हम लोग लड़ाई किए बहुत ज़्यादा, भी हो गई थी लोगों की लड़ाई, कुछ लोग फालतू बोल रहे थे इन दोनों को कि इन दोनों ने कुछ बकवास कुछ बात कर दी है, कुछ भी उल्टा, जबकि ये लोग अपने बात कर रहे थे। वन लाइनर मतलब, अरे उसको लगा कि कमेंट कर रहे हैं कि मतलब इंग्लिश नहीं आती तो फिर क्यों लेके आया था, जबकि हम लोग खुद को बोले यार इंग्लिश नहीं आ रही क्यों लेके आया। हाँ वो अब फालतू में बिना बात कुछ भी बोल रहा है, फिर लड़ भी रहे थे हम लोगों से। शो के तक लास्ट तक ये पता था ये कि आगे कोई बच्चा बैठा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे बच्चा है यार। हम लोगों को तो कोई बंदा भी नहीं दिखा क्योंकि अंधेरा होता है, पूरा समझ ही नहीं आया। तो पता नहीं ऐसे कुछ लोग होते हैं, मन होता है लड़ने का, जो अपना उनका बीपी हाई होता है या घर से लड़वर के आते हैं और फिर जान की बीवी जबरदस्ती लेकर आई हो, उसका गुस्सा हम पे निकाल दिया। तो हम लोग बोलना शुरू करके हल्का भी थोड़ा शटअप, उसने भी बोला ना, बोला पहले कुछ भी बोले जा रहे थे बहुत ज्यादा। चलो हमारा मूड यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गया था, कोई बात नहीं, हम अच्छी जगह चलते हैं और अपना मूड सही करते हैं। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रुके एक सेकंड के लिए, और मैंने अपने लेंसेज बदल लिए, कुछ नोटिस कर रहे हो? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पता दिक्कत थोड़ी थी आंखों में, तो मैंने लेंसेज भी चेंज कर लिए। अब हम बस 20-25 मिनट में दूसरी जगह पहुंचने वाले हैं। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर, मेरी जो
जो एक पर्सनल जगह है जहाँ मैंने अपना दूसरा घर बना रखा है वहाँ मैं आ गई हूँ। और काफ़ी टाइम बाद आई हूँ ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं आ नहीं रही थी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा हमें आने में, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं था इस टाइम पे, और 8 बज रहे होंगे शायद अभी शाम के। चलो अभी चलते हैं, हम कुछ खाते हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। गाइस यहाँ पे ले रहे हैं अपने फेवरेट मोमोज जो कि हम लोग खाते हैं हमेशा से। और ये देखो ये लड़की, ये देखो मिल भी गया। ये लड़की किसी एक बार पूछ तक नहीं रही है मेरे से कि खा लो निकल। गाइस ये है मोमोज और ये हमारा फेवरेट बर्गर जो कि आ गया, वो खा लेते हैं पहले। चलो मैं आप थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ, मैं इस बीच मसाज करवाई थी। और ये देखो इनको देखो सबके सामने कैसे चल रहे हैं। जॉगिंग गाइस, जॉगिंग जॉगिंग करते हुए चल रही है नॉर्मल यहाँ पे मॉल में। सब लोग देख रहे हैं क्या हो गया, सब लोग देख रहे हैं क्या हो गया, बताओ। जॉगिंग करते रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, अब हम जा रहे हैं टैटू कराने। बिल्कुल नहीं रुकना है, और अब हम लोग जा रहे हैं टैटू कराने के लिए, और वो भी परमानेंट वाला। टैटू शॉप में आ गए। मैं आई हूँ अभी मॉल, और अभी मुझे लेने हैं अपने लिए कुछ कपड़े, क्योंकि मुझे करनी है शॉपिंग। और क्योंकि हमारा चैनल चल रहा है वो तो आपको मेरे भी नहीं लिए चैनल पर दिख जाएगा, लेकिन अभी मुझे अपने लिए कपड़े देखने हैं। और मैं वो देख रही हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लेना चाहिए। कुछ अच्छा सा मुझे कुछ सेट में चाहिए, जो भी पूरा कुछ शॉर्ट ड्रेस टाइप कुछ चाहिए। देखते हैं कुछ मिलता है तो। देखो कलेक्शन तो बहुत सारे, और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ पहले। ये है मेरा आज का आउटफिट। गाइज हमारे साथ अम्मी भी आज, ताकि मुझे और सजेशन मिल पाए कि क्या लेना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लेना चाहिए। ये है अम्मी यहाँ पर बैठी हुई। गाइज अब मैं जा रही हूँ, अब मैंने शॉपिंग कर ली अपनी, अब मैं जा रही हूँ कहीं और। कुछ मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत 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 तेज़ भूख लगी एकदम से, और मुझे प्यास भी लग रही है, तो मैं चल रही हूँ अब कुछ खाने और पीने के लिए। और अम्मी यहाँ पर बैठी हैं, हम तीनों बैठे हैं, और अब मुझे लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ तो खा ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने सुबह ही खाया था, कुछ भी खाया था। और अभी रात के 8 बज चुके हैं, यहाँ पे हम लोग आए थे 6 बजे, 6 से 8, 2 घंटे हमने ज़्यादा में बिता दिए अपने। क्यों आती हो मॉल, खाने तो आती हो? खाने तो नहीं गाइस, मैंने सोचा कि चलो अम्मी के साथ बहुत दिनों बाद आए हैं, तो चलो कुछ खा लेते हैं। अम्मी का बहाना, तो गाइज ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, और मैं एंडिंग लेना फिर से भूल गई थी, तो चलो अभी मैं आपको एंडिंग कर देती हूँ। और मैं मॉल से आ गई थी, उसके बाद मैं मॉल से आ गई थी, मैंने शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी अपनी, और मुझे बहुत बहुत मजा आया था, क्योंकि मैंने अपने लिए कपड़े लिए थे। शॉपिंग में किसको मजा नहीं आता है, तो बस आप लोग जल्दी से बिल्कुल करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को, सब मेरे लिए ब्लॉग्स जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, आपको दिख रही होगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।